जो अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी ने एग्जाम में ये हिट हुए हैं, वहां से चीजें ली गई हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है, अनुच्छेद एक किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद एक। नेक्स्ट है, अनुच्छेद दो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद दो नए राज्यों के गठन या परिवेश से संबंधित है। अनुच्छेद दो में नए राज्यों का गठन जो है परिभाषित है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, या आप कह सकते हो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से हमें मिलता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का या छुआछूत का अंत है आपका अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 एक के क में क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें, यानी कि हम कुछ भी चीज़ प्रकाशित कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण को त्यागने की या दैहिक स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 23 जो है आपका बाल श्रम प्रतिषेध, यानी कि जो बाल श्रम है उसको निषेध कर जो दोस्तों डेफिनेशंस है ये वो मिलती है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, अनुच्छेद 45 में है विधित। अनुच्छेद 51 का क्या है, मूल कर्तव्य, हमें जो मूल कर्तव्य मिलते हैं वो अनुच्छेद 51 क के तहत मिलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 है संबंधित किससे, भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 54 है भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटाने का जो प्रोसीजर है वो दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी को अगर दोस्तों मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको यह शक्ति मिली हुई है कि वो उसको क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, भारत के प्रधानमंत्री से, किससे, भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, संसद के गठन से, किससे, संसद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 और 81 राज्य और लोकसभा के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन संबंधित है अनुच्छेद 8 से। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग से संबंधित है, वित्तीय आयोग से संबंधित है 280। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, जनजाति से, और दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राज्य भाषाओं से, संघ की राज्य भाषाओं से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल का प्रावधान से, किससे, आपातकाल के प्रावधान से। अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय संकट का प्रावधान से, वित्तीय संकट के प्रावधान से। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन प्रावधान से। अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर की को विशेष दर्जा देने से। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं।